हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोहतक पीजीआई बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के बारे में बात करेंगे। पीजीआई रोहतक के हर साल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट करवाते हैं, उसी के थ्रू जो है बीएससी नर्सिंग में पैरामेडिकल के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन होता है। तो इन कमेंट्स को जस्ट मैं रेफरेंस के लिए ले रही हूँ वीडियो के लिए। इसके लिए बिल्कुल भी मत ये सोचना कि सिर्फ इनको के लिए वीडियो बना रही हूँ, वीडियो सबके लिए बना रही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके रिलेटेड डाउट थे कि पीजीआई रोहतक कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब निकलेंगे या फिर निकल चुके हैं, कितने दिन लेफ्ट हैं या फिर कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो सब कुछ वीडियो में क्लियर करेंगे हम। एंड मैं आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेके चलूंगी जहां से आपको जो है अप्लाई करना है, एंड सभी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पहले ही लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले 2021 के। तो 2021 में एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे, दैट इज इन फैब। कंप्लीट डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में डिस्कशन कर लेती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है एंड कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है 17 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए, एंड मिनिमम जो है 45% मार्क्स आपके 12th में रहने चाहिए, एंड 40% रहने चाहिए अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल के लिए 45% रहने चाहिए, एंड मेडिकली आप फिट होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिलकर आती है एंट्रेंस एग्जाम में। इंग्लिश वगैरह जीके वगैरह नहीं पूछा जाता है। एंट्रेंस एग्जाम 180 नंबर का रहता है, मतलब 180 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, एंड यहाँ पर 60 डिवीजन हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ जो है हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी एंट्रेंस एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो हम बात करें शेड्यूल के बारे में कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है अगस्त में निकलते हैं, ठीक है। अगस्त में हर साल जो है अगर कुछ लाइक अभी जो कोविड की वजह से डिस्टर्ब चल रहा है, बट यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है अगस्त में निकलते हैं हर साल। बट जो है लास्ट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त में नहीं निकले थे, लास्ट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म जो है फेब में निकले थे, फेब 2021 में, ठीक है। 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म 2021 में हमें देखने के लिए मिले थे। तो उसी के रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। हाँ, 2021 में एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर निकले थे, बट वो 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म थे जो 2021 से 22 के स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा उसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं निकले थे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि लाइक थे जो कि 2021 के थे उन्होंने भी अप्लाई किया था जिनको 2021 में एडमिशन लेना था, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया था यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फॉर्म को। तो इस बार जो है इतना ज़्यादा लेट नहीं होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जो है सिर्फ 20 दिन बच गए हैं यहाँ पर। अगस्त आने के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जाती है डे बाय डे एप्लीकेशन फॉर्म निकलने की। तो अगस्त में इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म 100% निकल जाएंगे इस बार, बिकॉज जो है इस बार इतना ज़्यादा लेट नहीं होंगे जैसे कि लास्ट बार हो गया था। लास्ट बार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, फैब में इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे। तो बात करें यहाँ पर फीस वगैरह कितनी पे करनी पड़ती है, कितना क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, तो 16,200 यहाँ पर कुछ फीस रहती है जो कि फर्स्ट ईयर की फीस रहती है। उसके साथ साथ जो है 500 रुपये स्टाइफंड भी मिलता है उन कैंडिडेट्स को जिनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है फॉर बीएससी नर्सिंग, एंड पैरामेडिकल के लिए 12,000 फीस हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये फीस के बारे में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो प्राइवेट कॉलेज का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें अलग देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, किसी कॉलेज में कम रहती है किसी में ज़्यादा रहती है। बट आप लोग मान के चल सकते हैं कि 80,000 तो यहाँ पर एडमिशन फीस होगी, एंड ऑलमोस्ट 5,000 से 6,000 पर मंथ जो है हॉस्टल वगैरह के यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं। तो मिनिमम ये फीस यहाँ पर जो है लगने वाली है अगर आप पीजीआई के थ्रू जो है किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे जो कि प्राइवेट कॉलेज पीजीआई से एफिलेटेड होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है जितने भी जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है, उन सभी में अगर आप सभी को एडमिशन लेना है तो पीजीआई के थ्रू ही होगा, किसी भी प्राइवेट के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर सभी गवर्नमेंट सभी को जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अफिलेट हैं पीजीआई रोहतक से, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से। तो अगर आपको किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है तो आपको इसी के फॉर्म यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ कि हरियाणा में जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 99% कॉलेज में इसी के थ्रू एडमिशन होता है। तो अभी तक जो है किसी
के अभी लाइक एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। एडमिशन तभी स्टार्ट होंगे जब पीजीआई के एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएंगे। एंड पीजीआई के 2021 से 2022 के बैच के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकले तो यहाँ पर जो मैं आपको ऑफिशियली भी दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाए, तो हम एडमिशन वाले सेक्शन पर आ जाते हैं। बट यहाँ पर जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकलेंगे। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि एक न्यू वेबसाइट जो है हर साल पीजीआई बनाता है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको जल्दी ही नोटिफाई करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। कुछ नोटिस यहाँ पर भी डाले जाते हैं एंड कुछ नोटिस जो है न्यू वेबसाइट रहती है उस पर भी डाले जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मार्च के ये नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर कंप्लीट, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे कंप्लीट वो नोटिस मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो कॉमन एंट्रेंस जो है दो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहे थे लास्ट ईयर, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस फर्स्ट एंड कॉमन एंट्रेंस सेकेंड, दो एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें देखने के लिए मिले थे। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लाइक 6 फेब को जो है प्रोस्पेक्टस हमें देखने के लिए मिल रहा था। प्रोसीजर भी आ गया था कि एडमिशन कैसे होगा पैरामेडिकल में, बीएससी नर्सिंग में प्रोस्पेक्टस भी आ गया था। एंड यहाँ पर जो है लाइक 14 को एग्ज़ाम था, ठीक है, 14 जो फैब थी उसको एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं 2021 में ही है, तो बट इसका ये मतलब नहीं है कि इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज हो चुके हैं। इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रिलीज हुए हैं 2021 से 2022 के, बट यहाँ पर जो है 2021 में एप्लीकेशन फॉर्म जरूर रिलीज हुए थे, दैट इज 2020 के थे। तो वीडियो में आई थॉट मैं क्लियर कर पाई होंगी, काफी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, आई थिंक एक वीडियो से क्लियर सभी डिटेल्स को डिस्कस कर लिया। बट वन थिंग दैट आई फॉरगॉट कि नंबर ऑफ सीट के बारे में हमें डिस्कशन करना था कि इतनी नंबर ऑफ सीट हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो 2 साल पहले यहाँ पर क्या था, सिर्फ फीमेल ही अप्लाई यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी, बट अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो बॉयज़ हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं, ऑलमोस्ट 50% सीट्स पे ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है सभी के लिए, जो भी बॉयज़ यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 50% सीट, मतलब कि 50% बोल दो या फिर कितनी भी परसेंटेज हो सकती है, टोटली यहाँ पर जो है कंपटीशन बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होगा। जो भी कैंडिडेट जितने अच्छे मार्क्स लाएगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट मैं आपको बता देती हूँ, तो पीजीआई रोहतक में तो सिर्फ फीमेल्स के लिए रिजर्व है। पीजीआई रोहतक में 82 सीट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। बात करें यहाँ पर करनाल डीडीयू, करनाल में सेकंड कॉलेज दैट इज सेकंड गवर्नमेंट कॉलेज, हमें उसमें 66 सीट्स देखने के लिए मिल जाती है। एंड बॉयज़ के लिए भी रहती हैं, गर्ल्स के लिए भी रहती हैं। एंड यहाँ पर जो है प्री डिसाइडेड नहीं रहता कि कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स को मिलेंगी, यहाँ पर जो है टोटली यहाँ पर काउंसलिंग के बेसिस पर ही यहाँ पर रहता है। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतने ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा। थर्ड कॉलेज इज दैट गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट सफीदो, एंड यहाँ पर जो है हमें 66 सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड यहाँ पर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए भी बिल्कुल यहाँ पर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एडमिशन ले सकते हैं। एंड नंबर ऑफ सीट भी ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, टोटली डिपेंड करेगा काउंसलिंग पे, जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतने ही यहाँ पर जो है कट ऑफ जाएगी एंड उसी के बेसिस पर एडमिशन रहेगा। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि इसकी कट ऑफ जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाली है। एंड अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो आप मैंशन कर सकते हैं, बट कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी इस बार। एंड आप लोगों को अभी से जो है अच्छे लेवल के प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दें। नीचे मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।